हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और क्लास 9 नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर की आज ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम ये चैप्टर फिनिश अप करने वाले हैं और अगला चैप्टर जो हमारा है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, कल मैंने आपको कुछ एक्सपोनेंट के रिगार्डिंग रूल्स बताए थे, वो रूल्स आपने पढ़े होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आज हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन में बहुत पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो किसी स्कूल का, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ तक अगर आप बात करो तो ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2। ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर, मतलब इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं और इसको पावर भी बोल सकते हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, तो हम देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको करने का ये नियम है कि आप जो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है तो उसका डिनोमिनेटर देखिए, उसका डिनोमिनेटर 2 है, उसके डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो बेस है, ये जो है ना, ये आपका बेस है, इस बेस को स्क्वायर में तोड़ना है। इस बेस को काय में तोड़ना है, स्क्वायर में तोड़ना है। स्क्वायर में क्यों तोड़ना है? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2। आपको क्या करना है, बेस को स्क्वायर में तोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट का जो डिनोमिनेटर है वो 2 है। अभी ऐसा क्यों हुआ है ये आपके समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये 64 की पावर 1/2। अब आप सोचिए कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है? तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64 होता है। तो क्या मैं इस 64 को ऐसे नहीं लिख सकता, 8 का स्क्वायर? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ब्रैकेट लगा के इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने कल आपको एक नियम पढ़ाया था कि अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m into n। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम इसमें यहाँ पर अप्लाई करते हैं 8 की पावर 2 into 1/2। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक डिवाइड में और एक मल्टीप्लाई में है। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 8 की पावर 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 8। ये मेरा आंसर है। अब समझ में आया होगा कि इसको स्क्वायर में क्यों तोड़ा था, क्योंकि आगे जाके वो कटने वाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 की पावर 5। 32 की पावर 1/5। आप वही वाला नियम आप अप्लाई कीजिए, ये जो एक्सपोनेंट है इसका जो डिनोमिनेटर है 5 है, आप इस 32 को किसी ऐसे नंबर में तोड़िए जिसकी पावर 5 32 के बराबर हो, जिसकी पावर 5 32 के बराबर हो। तो भाई ये बहुत आसान है, ये जो 32 होता है ये 2 की पावर 5 होता है। ये मुझे तो याद है, लेकिन आप जब क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको भी याद हो जाएगा। ये 2 की पावर 5 समझ में आया कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए किसी के ऊपर भी कोई पावर लगी हुई है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई कराना पड़ता है आपस में। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना। अब देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो क्या मैं 32 को 2 की पावर 5 भी लिख सकता? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने वही तो करा, लिख दिया। जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 से 5 कट गया और मेरा क्या आया, मेरा आया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 होता है 2। ये मेरा आंसर। ठीक, बात समझ में आई ना आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 125 की पावर 1/3। देखिए यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, इसका मतलब मुझे इस नंबर को ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसकी पावर 3 125 हो। तो ये बहुत आसान है, ये 5 की पावर 3 होती है और ये हो जाएगा 1/3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 into 1/3। ये 3 से 3 कट गया, यानी कि 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 क्या होता है, 5। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2, वही चीज, डिनोमिनेटर देखिए 2, यानी कि इस मुझे बेस को तोड़ना है ऐसे नंबर में जिसका स्क्वायर 9 हो। तो ये तो बहुत ही आसान है, 3 का स्क्वायर 9 होता है सर। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने,
थ्री का स्क्वायर 9 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2, 2 से 2 कट गया, अब ये क्या आ गया, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कितनी आसानी से हो रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 32 की पावर 2/5। अभी हमने करा था इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। अब ये 5 है, इसका मतलब मुझे इस बेस को ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसकी पावर कितनी हो, 532 हो, तो वो होता है मेरा 2, 2 की पावर 5। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और जब इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और जब ऐसे लिख सकता हूँ तो ये इससे कट सकता है, और जब ये इससे कट सकता है तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है बेटा, 4 होता है। ठीक, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 16 की पावर 3/4। अब इस 16 को मुझे तोड़ना है कैसे नंबर में, जिस नंबर की पावर 4 16 हो। तो ये जो होता है, ये होता है आपका 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, क्योंकि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और 8 टू जा 16, और ये लिख लिया मैंने 3 की पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 4 से 4 कटा, ये आया मेरा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, ये मेरा आंसर आया 8। ठीक, बड़े अच्छे क्वेश्चन नहीं है, बड़ा मज़ा आता है इनको करने में, आराम से करेंगे तो सब समझ में आएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, 125 की पावर माइनस के 1/5। अब ये माइनस आ गया इसके अंदर, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको ये करना है जब यहाँ पर माइनस लगा हो ना, तो आप 125 को अपॉन में ले जाइए, 1/ करके कर दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा, और इस पावर को प्लस कर दीजिए। अब मुझे क्या करना है, बिल्कुल वही करना है जो मैं पहले कर रहा हूँ। ये 5 है, तो मतलब ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसकी पावर 5 जो है वो कितना हो, 125 हो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 नहीं है, ये 3 है। अगर 5 होगा तो हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन, ये 3 है, तो 3 में तोड़ना है, ये 1/ चलता रहेगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये इससे कट गया, यानी कि ये 1/5 मेरा आंसर। ठीक, समझ में आया होगा आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3, और बीच में लगा हुआ है डॉट, और 2 की पावर 1/5। ये जो डॉट है ना, ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आप इसको पॉइंट समझ लें, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक, तो देखिए क्या बताया था मैंने आपको कल, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, मतलब कि बेस अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स जो हैं वो जुड़ जाती हैं आपस में। ठीक, ये आपको बताया था, याद होगा, अगर याद ना हो तो एक बार फिर देख लीजिएगा। ज़रा इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, यहाँ पर बेस मेरा 2 सेम है और पावर्स अलग अलग है, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी पावर्स मेरी ऐड हो जाएंगी। अब बताइए किन किन को, किस किस बच्चे को ये सॉल्व करना आता है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कैसे होगा, ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन आपस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो फ्रैक्शन आपस में जब प्लस होता है तो क्या करते हैं, इसमें सर हम ये करते हैं कि हम ऊपर इन नंबरों का एलसीएम ले लेते हैं, इन नंबरों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो गया इसका, 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। अब मैं क्या करता हूँ, इस 15 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 से डिवाइड करूँगा 15 को, आंसर आएगा मेरा 5, 5 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से, यानी कि 10, बीच में प्लस है तो प्लस, 5 को डिवाइड करो अगले वाले डिनोमिनेटर से, यानी कि 5 से, 5 3 जा 15, 3 आंसर आया, 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 3 यानी कि 13/15, बस यही मेरा आंसर, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3, और ये ब्रैकेट लगा रखा है, और
इसके ब्रैकेट में होल पावर है 7। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से लिखा है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, m इंटू n, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ये जो 3 यहाँ लिखा रखा है मैंने, ये इस तरीके से आ जाएगा। एक मिनट, देखिए ये इसका होल पावर का मतलब 7 ये है कि इस 1 की पावर भी 7 और इसकी 3 पावर थी तो वो इसके साथ में आ गया। 1 की पावर 7 क्या होता है, 1, और 3 की पावर 3 इंटू 7 21। ये मेरा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 11 की पावर 1 अपॉन 2, 11 की पावर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1 अपॉन 4। तो आपको याद होगा मैंने आपको कल बताया था कि एक चीज़ कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में होता हो तो क्या होता है, माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बेस सेम है, बेस मेरा क्या है 11, पावर्स अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, बेस तो मेरा ऐसे ही रहेगा और ये वाला जो पावर नीचे थी ये ऊपर आके माइनस की हो जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सर हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 1 से 2, माइनस 4 को डिवाइड करेंगे 4 से यानी कि 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1। अब आंसर क्या आएगा, 11 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 4। ये मेरा फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही होगी आपके, फ्रैक्शन वाला मैंने जब चैप्टर कराया था तो उसके अंदर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बताए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 की पावर 1 अपॉन 2 डॉट यानी कि मल्टीप्लाई और 8 की पावर 1 बाय 2। देखिए अब यहां पर क्या है, यहां पर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में और पावर 1 कर देते हैं इसकी। अब ये क्या हो जाएगा, 7 8 56 56 की पावर 1/2 और ये मेरा फाइनल आंसर। इसी के साथ में ये जो चैप्टर था नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम अब हमारा ख़त्म होता है और अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस लेक्चर में कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको एक्सपोनेंट के लॉज बताए हैं इनको ज़रूर पढ़िएगा, बार बार पढ़िए, आज पढ़िए, कल भी पढ़िए, परसों भी पढ़िए, पढ़ते रहिए क्योंकि ये पढ़ने से ही याद होंगे आपको। ठीक, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।